अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मीमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आइए देखते आज के टॉप 10 न्यूज़। हमारे आज के टॉप 10 के स्पॉन्सर है सॉल्यूशंस एक्रेलिक साइनेज एंड प्रिंटिंग एट कापाली नियर निजामपुरा पुलिस स्टेशन भिवंडी। भिवंडी के महापौर चषक के फाइनल्स में बिना मास्क के ऑडियंस में बैठे भिवंडी के उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान और महापौर प्रतिभा पाटिल की सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही है वायरल, जिसे संजीदगी से लेते हुए उप महापौर ने अपने मास्क न पहने जाने पर चालान की रिसीट शेयर की और लोगों को संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो कोई भी हो। हालांकि इस विषय पर महापौर की तरफ से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। भिवंडी के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव में AIMIM उत्तरी मैदान में मजलिस के थाने जिला अध्यक्ष अयाज मौलवी और उपाध्यक्ष अबरार अंसारी ने वार्ड नंबर 9 का किया दौरा। भिवंडी के लोगों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुझान देखते हुए मजलिस जल्द ही उतारेगी अपना कैंडिडेट। मुंबई में एक 10 साल की बच्ची को सोते वक्त खांसी होने पर माता पिता ने कोरोना समझकर कराया चेस्ट एक्सरे। जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया बच्ची की छाती में मेटल की पिन फंसी है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर पिन को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। बच्ची की मां ने बताया जब बच्ची 2 साल की थी तब गलती से पिन निगल लिया था। महाराष्ट्र के लातूर जिले के वाशिम में एक स्कूल के 229 बच्चे आए कोरोना की चपेट में। 4 टीचर्स का भी आया कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। ज्यादातर स्टूडेंट्स यवतमाल और अमरावती से है। स्कूल को बंद रखना है या चालू, जल्द ही स्कूल प्रशासन लेगा इसका फैसला। वहीं लातूर में 27 और 28 फरवरी को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। कल्याण की एक कांग्रेस कार्यकर्ता शमीम बानो ने मुद्रा लोन के नाम पर कई गरीब महिलाओं को लगाया लाखों का चूना। कल्याण के शिवसेना लीडर ने शमीम बानो को पकड़वाने में की पुलिस की मदद। पुलिस शमीम के और 2 साथी शांति सिंह और प्रमोद सिंह को तलाश रही है। कल्याण पुलिस ने बताया अब तक 10 औरतों ने शमीम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, अभी और भी कहीं आना बाकी है। मुंबई पुलिस ने 2 चोर धनंजय चौरसिया और पप्पू गुप्ता को किराना दुकान वालों को लूटने के लिए गिरफ्तार किया। दोनों किसी भी नई दुकान में होलसेल सप्लायर बनकर जाते और बल्क क्वांटिटी के नाम पर दुकान के बाहर खाली बॉक्सेस छोड़कर पेमेंट लेकर फरार हो जाते। दोनों ने मुंबई थाने नवी मुंबई पालघर में कई दुकान वालों को लूटा। गोरेगांव की एक दुकान के CCTV और फोन नंबर की मदद से मुंबई पुलिस ने दोनों को किया अरेस्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में इलेक्ट्रिक बाइक रैली। ममता बनर्जी खुद गले में महंगाई का पोस्टर लटकाकर कोलकाता के मेयर के पीछे इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर सचिवालय निबानना तक गई। ममता बनर्जी ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा जब चुनाव नजदीक आएंगे तब केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम कम करेगी। आज भिवंडी शहर में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिससे भिवंडी शहर का कुल आंकड़ा पहुंचा 6,769। 353 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई और साथ ही 26 लोगों का इलाज जारी है। वहीं मुंबई में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का प्रभाव। आज मुंबई शहर में कोरोना के 1,145 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की आज मौत हुई। थाने शिवसेना के मेयर नरेश मस्के ने अपने सेना कॉर्पोरेटर्स के साथ लगवाई कोविड वैक्सीन। इस पर तंज करते हुए थाने BJP ने इसे पावर का मिसयूज बताया। वहीं मेयर साहब ने इसे लोकहित में बताते हुए कहा जो TMC कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने वैक्सीन लगवाई है। आज सेंसेक्स 257 अंकों की बढ़त के साथ 51,039 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 115 अंकों की बढ़त के साथ 15,097 पर हुआ बंद। गोल्ड 46,300 पे ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 4,586 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के हमारी टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।